दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की ब्रेजा है, 2016 का मॉडल है, डीजल कार है। आउटसाइड टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमने एसी चालू रखा है, एसी का बटन देख रहे हैं ऑन है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 6.4 पे आ चुका है और लोअर स्पीड सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है इसका। लेकिन बट हीटर जब हम हाई करते हैं ना, तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ हीटर हाई पे कर रहा हूँ पर हीटिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, बहुत स्लोली हीटिंग काम कर रहा है, हीटिंग टेम्परेचर ऊपर आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 23 पे आ चुका है 24 और ये वाली वेंट में नहीं आ रहा है बिल्कुल। सबसे ज्यादा हीटिंग का टेम्परेचर जो आ रहा है ये वाली वेंट में आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 पे आ चुका है अभी 27 इससे आगे नहीं जा रहा है, इसमें भी बहुत टाइम के बाद तब आगे बढ़ रहा है। और देख रहे हैं हीटिंग हाई पे रखा हूं मैं और जरा मैं ये वाली वेंट में लगा के दिखा देता हूं आपको 28, 27 यानी और भी नीचे ड्रॉप हो रहा है, हीटर चल ही नहीं रहा है प्रॉपर। तो इसके वजह से हम इसका हीटर कॉइल जो है ना क्लीन करेंगे। हो क्या रहा है, इसका हीटर कॉइल जो है ना एक साइड से कूलेंट का सर्कुलेशन हो रहा है और एक साइड से नहीं हो रहा है, इस वजह से हीटिंग का जो टेम्परेचर है ना प्रॉपर आ नहीं रहा है। तो इस वजह से हम इसमें हीटर कॉइल में ये एसिड डालेंगे, फिर एसिड डाल के फिर पानी का प्रेशर मार के वाटर का प्रेशर मार के क्लीन करेंगे और देखेंगे सक्सेसफुल होता है क्या नहीं। चलो हम आज ट्राई करके देखते हैं। चलो फिर मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ। आप मेरे वीडियो में चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज प्लीज प्लीज। आप देख पा रहे हैं मैं गाड़ी में पानी मार के पहले ठंडा कर लिया हूँ, फिर उसके बाद ये दोनों क्लिप निकाल दिया हूँ यहाँ का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लिप निकाल दिया हूँ और पाइप निकाल लेता हूँ, दोनों पाइप निकाल दिया मैं और यहाँ हम एक पाइप डालेंगे ये वाली पाइप इसमें एसिड डालने के लिए नहीं रहेगा, ये वाली इसमें डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं फिर मैं इसमें से एसिड मारूंगा, फिर एसिड मार के फिर आपको दिखाता हूँ। ताकि आप देख पा रहे हैं मैं इसमें एसिड डाल चुका हूँ, डाल करके अंदर रहने दूंगा 5 मिनट लगभग, ताकि जो भी मट्टी वगैरह है सबको निकाल देगा। चलो फिर हम इसको 5 मिनट रख देते हैं। देख पा रहे हैं अंदर कितना धुआं हो रहा है, तो चलो हम इसमें पानी मार देते हैं फटाकन करके, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इसको फिटिंग कर चुके हैं, चलो अब हम गाड़ी चालू करते हैं, क्लिप वगैरह लगा करके गाड़ी चालू करके फिर आपको दिखाऊंगा। चलो भाई जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी अभी चालू है हमारी, बाइक वगैरह सब हम फिट कर चुके हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। चलो फिर अब अंदर हीटर टेम्परेचर देख लेते हैं कि अब बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है या फिर पहले जैसा था वैसा ही हो रहा है। चलो फिर अंदर देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी चालू है, आउटसाइड टेम्परेचर 27 हो चुका है क्योंकि अभी मैंने आगे कंडेंसर रेडिएटर के ऊपर पानी जो मारा हूँ ना इसके वजह से, तो और हीटर मैं हाई पे रखा हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं। और हीटिंग टेम्परेचर आप ये वाली वेंट में देख लीजिए 41.8 पे आ चुका है और भी बढ़ रहा है 41.89, यानी गाड़ी अभी पूरी तरीके से गर्म हुई नहीं है, यानी हो रहा है हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि उस टाइम वो वाले वेंट में अगर लगाने से हीटिंग टेम्परेचर बिल्कुल कूलिंग जैसा होने लगता था, लेकिन अभी प्रॉपर चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको क्लीनिंग का प्रोसेस बताया कैसे हीटर कॉइल को क्लीन किए हमने, तो ये काम बहुत डेंजर वाला रहता है, आपको दिखा है अंदर धुआं वगैरह भी निकल जाता है, कभी कभी जल भी जाता है, एसिड रहता है क्योंकि ये पावरफुल रहता है, कोई भी एल्यूमिनियम पार्ट में अगर एसिड डालेंगे तो रिएक्शन होना चालू कर देता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके गाड़ी में भी होता है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज 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 प्लीज।